2 weeks before I was saying, दो हफ्ते पहले मैं बता रहा था, be a man, be a woman who has God's attention. ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्री बनना जिनकी और परमेश्वर का ध्यान है. There are certain things in us that attracts God. ऐसे थोड़े चीज हमारे अंदर है जो परमेश्वर को आकर्षित करता है. Last week I shared with you. पिछले हफ्ते में. Previous week I shared with you. दो हफ्ते पहले मैं आपको बता रहा था. The nature and what happens when man gets God's attention. क्या होता है जब मनुष्य को परमेश्वर का ध्यान मिलता है. Amen. Amen. So when I just share one person. Who definitely never had God's, not about God's attention. परमेश्वर के ध्यान के बारे में नहीं. But it's, do you know, it's very easy to be called by God, but it's very difficult to stay in the calling of God. क्या आप जानते हो परमेश्वर से बुलावट पाने के लिए बहुत आसान है, लेकिन उस बुलावट में खड़े होना बहुत मुश्किल है. God calls everyone. परमेश्वर सबको बुलाते हैं. But all cannot fulfill his call until the end. लेकिन अंत तक सब उनके बुलावट को परिपूर्ण नहीं कर सकते. Because of the distraction in this world. क्योंकि इस दुनिया के हलचल के वजह से. And our generation is in a very crucial time. और हमारा पीढ़ी वो बहुत ही वो बहुत कठिन समय में है. No matter how much you train yourself to stay focused. चाहे कितना भी अपने आप को आप सिखाएंगे कि उस पर ध्यान रखें. Somebody's one WhatsApp status distracts you so much. लेकिन किसी का एक WhatsApp status आपको बहुत हलचल में डाल देता है. That you leave your focus and go to do better than what they posted. कि आप अपने मंजिल को छोड़कर जो उन्होंने किया उससे भी बेहतर चीजों को करने चले. That is not your destiny. वो आपका मंजिल नहीं है. You are getting distracted. आप हलचल में पड़ रहे हो. Grace of God is. देखिए परमेश्वर का अनुग्रह जो है. We keep falling. हम गिरते रहते हैं. He keeps lifting us up. लेकिन वो हमें उठाते ही रहते हैं. Now that is a grace. अब वो एक कृपा है. Amen. Amen. Now the power of God is. अब परमेश्वर का बल. You stand. आप खड़े होते हो. And you take all the precaution not to fall. और आप हर एक चौकस लेते हो नहीं गिरना है कहके. So when you take that precaution. और जब वो चौकस आप लेते हो. The power of God begins to increase in you. परमेश्वर का बल आपके अंदर वो बढ़ने लगता है. Mary never knew what is in wait for her. मरियम कभी भी नहीं जानती थी कि मरिया मरियम कभी नहीं जानती थी आगे उसके लिए क्या रखा है. You never know what you have ahead of you. आप कभी नहीं जानते आपके आगे आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है. But God does. लेकिन परमेश्वर जानते हैं. But what you have in ahead of you. लेकिन आपके आगे जो कुछ आपके लिए है. Depends upon what you're going to do today. आज के दिन आप क्या करने वाले हो वो उस पर निर्भर है. The Bible says. पवित्र शास्त्र कहता है. Before angel came and announced Mary's conception. मेरी मरियम के गर्भधारण के बारे में दूत आकर उसे बताने से पहले. Before only she was engaged. पहले से ही उसका engagement हुआ था. Right? क्या सही है? But she was engaged to a right man. लेकिन एक सही व्यक्ति के साथ उसका शादी निश्चय किया गया था. Because the Bible says. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है. Joseph was righteous. यूसुफ वो धर्मी व्यक्ति था. If you want what is lying ahead. To be by God, then now be with the right decision. जो कुछ आगे आने वाला है अगर आप चाहते हो कि वो परमेश्वर की ओर से हो. एक मिनट बेटा, जो कुछ भी सही बोल रही थी लेकिन मैं अपने ढंग से बताना चाहता हूं क्योंकि है ना वो मजा अलग होता है ना. जो कुछ भी अगले पल आपके लिए होने वाला है अगर वो परमेश्वर की ओर से आपको होना है ऐसा अगर आप इच्छा रखते हो तो पहले आज का डिसीजन सही के साथ रख लेना. Did you get that? क्या आपको समझ आया? अदरवाइज गॉड इन द टुमारो नहीं तो परमेश्वर आने वाले कल में
He will not cancel his plan for you. आपके लिए योजना को वो कैंसिल नहीं करेंगे. Because you made a wrong decision. क्योंकि आपने एक गलत फैसला लिया. He will postpone it. वो उसे आगे ढकल देंगे. Till that other person, till that other situation, till that other circumstance becomes worthy for his tomorrow for you. जहां तक वो दूसरा व्यक्ति या फिर दूसरा हालात आपके लिए वो योग्य बन जाए आने वाले कल के लिए. So who is postponing the good things in your life? तो फिर कौन आपके जीवन में भले चीजों को आगे ढकल रहा है? Your decisions. आपके फैसले. And that person, that situation, that circumstance, if it doesn't change for 10 years, you are postponing the goodness of God upon your life for 10 years. और अगर वो चाहे वो इंसान हो या फिर हालात हो, 10 साल तक आप नहीं बदल रहे हो, तो नहीं, आप नहीं, आपने जिस इंसान को डिसीजन लिया था, जो ने आप डिसीजन लिया था, अगर वो इंसान, अगर वो परिस्थिति 10 आगे 10 साल के लिए अगर नहीं बदलेंगे, तो आप परमेश्वर का कृपा को, परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में करना चाहते थे, जो कल परसों करना चाहते थे, उसको आप 10 साल तक आगे ढकल रहे हो. And you will sit and say, God is not blessing me. और वहां पर बैठकर आप कहेंगे परमेश्वर मुझे आशीष नहीं कर रहे. Number one, पहला चीज, Mary was hooked up with the right person. मिरियम सही व्यक्ति के साथ वो एक थी. Amen. Amen. And because और क्योंकि that man was going to be the father, the umbrella that I spoke about, covering to the plan of God. That man is going to be the umbrella for plan of God. वह व्यक्ति छाता बनने वाला है परमेश्वर की योजना के लिए. So he needs a right partnership. इसीलिए उसे सही partner की जरूरत है. Amen. Amen. Number two. और दूसरा चीज. When angel came. जब देवदूत वहाँ पर आया. And told Mary. और मिरियम से कहा. You are going to be with a child of the Holy Spirit. He did not go to Joseph. वो यूसुफ के पास नहीं गया. You know why? आप जानते हो क्यों? He knew Joseph very well. वो यूसुफ को बहुत अच्छी तरीके से जानता था. He knew the nature and the character of Joseph. वो यूसुफ के स्वभाव और बर्ताव के बारे में अच्छी तरीके से जानता था. You see? आप देखिए. Who gets God's attention? किसको परमेश्वर का ध्यान मिलता है? The man and woman. वो पुरुष और स्त्री. Who holds that character precious? जो उस स्वभाव को श्रेष्ठ तरीके से पकड़ कर रखते हैं. He knew him very well. वो यूसुफ को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे. So he came directly to Mary. इसलिए सीधे तरीके से मिरियम के पास वो आए. He said, Mary. और उन्होंने कहा, मिरियम. You will be with a child of the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के बच्चे से गर्भधारण होगी. Amen. Amen. And Mary never said. और मिरियम ने कभी नहीं कहा. I'll go and take permission. मैं जाकर वहाँ पर अनुमति लूँगी. That's where I want to share with you one very important thing. The Bible says. और पवित्र शास्त्र कहता है. She said. उसने कहा. No, be it according to God's will for me. जो परमेश्वर का इच्छा है उसके अनुसार ही मेरे साथ हो. Right? सही है. Okay. Number one. पहला चीज. She did not become insecure. वहाँ पर वो हलचल में नहीं पड़ गई. You know, she did not. You know, is there written in the Bible in anywhere that she called Joseph to discuss with him? क्या कहीं पर पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि यूसुफ को उसने बुलाया चर्चा करने के लिए? Did she tell her mom or dad? क्या उसने उसके माता या पिता को बताया? Nothing. कुछ नहीं. Nothing. कुछ भी नहीं. You see, when you know that God is with you, जब आप जानते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, you will master yourself so well, आप अपने आप को इतना निपुण बनाओगे, that you'll never become restless, कि कभी भी आप हलचल में नहीं पड़ जाओगे, you'll never become insecure, आप कभी भी बेचैन नहीं बनोगे, you'll stay where you are, आप जहाँ पर है वहीं पर खड़े and रहेंगे, you will know, और आप जानेंगे, if he has spoken, अगर परमेश्वर ने बात he किया will also है तो, take care of it. वो उसके बारे में ख्याल भी रखेगा. No, imagine a woman, एक स्त्री के बारे में आप कल्पना कीजिए, एक जवान स्त्री, unmarried, उसका शादी नहीं हुआ है, और वो गर्भधारण हो चुका है, कौन उसको खिलाएगा? Who will take care of her baby? कौन उसके बच्चे का ख्याल रखेगा? You know what? आप जानते हो क्या? Not the man. एक पुरुष नहीं. The one who has given the baby. लेकिन जिसने उस बच्चे को दिया है वही the उसका ख्याल रखेगा. The one who has given the mission. जिसने उस मिशन को दिया है वही उसको परिपूर्ण करेगा. The same will take care of it. और वही उसका ख्याल रखेगा. Isn't it?
क्या सही है? Amen. Amen. And that's why. और इसीलिए. It's very important. वो बहुत महत्व की बात है. That you have an attention of God. कि आपकी और परमेश्वर का ध्यान रहे. Because the attention of God. क्योंकि परमेश्वर का ध्यान. Depends upon your character. आपके स्वभाव पर निर्भर होता है. Because the better your character. क्योंकि जितना ज़्यादा और बेहतरीन आपका स्वभाव है. Greater the purpose of God upon you. उतना ही बलशाली और अद्भुत परमेश्वर का उद्देश्य आपके ऊपर. And the greater the purpose of God. और जितना ज़्यादा परमेश्वर का उद्देश्य है. Greater the ambassador of His power upon the earth. और उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का बल इस पृथ्वी पर. You know, many times, you know, she did not run around. वो यहाँ वहाँ भाग नहीं गई. She did not become insecure. वहाँ पर वो बेचैन नहीं हो गई. She did not call the one important line. You know, she. एक महत्व लाइन. She never looked to justify. वहाँ पर. अपना समर्थन करने के लिए. अपने समर्थन करने के लिए वो कभी बात नहीं किया. She never spoke. To justify herself. अपने आप का समर्थन करने के लिए वो कभी बात नहीं उसने किया. If they misunderstand, वहाँ पर अगर वो गलत समझेंगे, let them. उन्हें समझने देना. But God has spoken to me. परमेश्वर ने मुझसे बात किया है. Stand your ground. आप आपके जगह में स्थिर खड़े रहिए. Can you tell your neighbor, stand your ground? अपने बगल वालों को कहिए स्थिर खड़े रहिए. Stand your ground. And make sure that ground is from God. और निश्चय कीजिए कि वह जमीन परमेश्वर के ओर से है. Because people take joy, क्योंकि लोग satisfaction, क्योंकि लोग आनंदित होते हैं और तृप्त होते हैं in others matters. दूसरों के विषयों में. But Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, he who delights in the word of the Lord, जो कोई परमेश्वर के वचन में वास करता है. If your delight is in talking about others, you will reap that harvest. अगर आप दूसरों के बारे में बात करने में रहते हो तो उसके ही फल आनंद मिलता है. उसमें आपको आनंद मिलता है तो उसी का फल आप काटते हो. Families will not prosper. परिवार बढ़ोतरी नहीं पाएंगे. You know, it'll crumble down. आप नीचे गिर जाएंगे. But Bible says in Psalm 1. लेकिन पवित्र शास्त्र भजन संहिता के पहले अध्याय में कहता है. Is in the word of God. उसका आनंद परमेश्वर के वचन में है. Believe me. मुझ पर विश्वास कीजिए. Wednesday or Tuesday, the moment I come back from Goa. Wednesday, बुधवार या मंगलवार के दिन जब गोवा से मैं वापस लौटता हूँ. My first love is. मेरा पहला प्यार जो है. I want to get into my room. मेरे कमरे के अंदर मुझे जाना है. Who has said what? Who has hurt you? Whom I have hurt? Nothing bothers me. किसने क्या किया, किसने मुझे चोट पहुंचाया या फिर किसी को मैंने चोट पहुंचाया, कुछ भी मुझे चिंतित नहीं करता. You know how it is? आप जानते हो वो कैसे है. Human beings. एक मनुष्य. Am I helping you? क्या मैं आपको मदद कर रहा हूँ? Human beings. एक मनुष्य. Are like thorn. वो एक कांटे के समान है. But we are worse than the normal thorn. लेकिन एक नैसर्गिक कांटे से भी हम बहुत बुरे हैं. You know how? आप जानते हो क्यों? The natural thorn has a sharp end on one side. नैसर्गिक कांटा जो है एक ही तरफ से वो बहुत ही तेज रहता है. But we are sharp on both sides. लेकिन हम दोनों भी तरफ से तेज हैं. खुद को भी दर्द देते हैं, दूसरों को भी दर्द देते हैं. हम खुद को भी दर्द देते हैं और दूसरों को भी दर्द देते हैं. Does it make sense? आपको समझ आ रहा है? We wound our family also, we wound other family also. हम खुद को भी चोट देते हैं और दूसरों के परिवार को भी हम चोट देते हैं. So the moment I go there, और जिस क्षण में वहाँ पर जाऊँगा, you know, I don't even bother whom I have hurt. मैं यह भी चिंता नहीं करता कि किसको मैंने चोट पहुँचाया है. Who have hurt me? या फिर किसी ने मुझे चोट पहुँचाया है. You know, somebody asked me, Pastor. किसी ने मुझे पूछा, पासवान जी, how you stayed so many years without getting mad? कैसे आप इतने साल रहे पागल हुए बिना? इतने साल बिना पागल हुए बिना कैसे जी पाए? इतने साल बिना पागल हुए कैसे आप जी पाए? You know, because within 4 months or 5 months of the ministry, क्योंकि 4 महीने 5 महीने के सेवकाई में, a person begins to feel, oh, what I bought upon myself. एक व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है, मैंने ये क्या कर दिया मेरे ऊपर. Jesus would have thought. अगर यीशु मसीह ने सोचा हुआ, What I have bought upon myself, कि मुझ पर मैंने ये क्या ला लिया है, you wouldn't be a believer. आप एक विश्वासी नहीं रहते. You wouldn't be going to heaven. आप स्वर्ग में नहीं जाते. You wouldn't be sitting where you're sitting today in your life. आप जैसे यहाँ पर बैठे हो, आपकी जिंदगी में वैसे कभी नहीं बैठे रहते. Hallelujah. Hallelujah. You wouldn't be healed the way you were healed. आप ऐसे चंगाई नहीं पाए होते जैसे आपने पाया है. It is a huge sacrifice that
kingdom is going to be built. एक बड़े से त्याग से ही है जो स्वर्ग का राज बांधा जाएगा. And Mary knew it very well. और Mary knew it very well. और मिरियम बहुत अच्छी तरीके से इसे जानती थी. She understood it. उसने उससे समझ लिया था. Because you know what? क्योंकि आप जानते हो क्या? It's a simple line. वो एक साधारण सा लाइन है. I am the maid of your hand. I don't want to live my own life. Do unto me what you want to do unto me, because no vessel is created for its own use, but every vessel is created for his master's use. आपने आपके हाथों से मुझे रचा है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप कीजिए, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ और कोई भी पात्र खुद के इस्तेमाल के लिए बनाया नहीं जाता, लेकिन दूसरों के इस्तेमाल के लिए वो बनाया जाता है. Tell me one vessel in your family that you don't use. एक कटोरा आप बताइए आपके घर में जो आप इस्तेमाल नहीं करते. I go to some families. मैं कोई कुछ परिवार में जाता हूँ. Brass. In olden days it was fashion, you know, the brass items. वहाँ पर पुराने ज़माने में पीतल के Nicely, सारे कटोरे. Polish. अच्छी तरीके से उसे पॉलिश कर कर. And they kept, you know, in line. और एक लाइन पर उसे सजाया जाता है. But believe me. लेकिन आप विश्वास कीजिए. They are not kept just for show. वो सिर्फ शो के लिए रखा नहीं गया है. When the guests are come, लेकिन जब अतिथि आते हैं, they are taken down. उसे नीचे उतारते हैं. Your crockery is taken out. उस पात्र को नीचे निकालते हैं. Amen. Amen. And it, you know, if the crockery is sitting inside, things last six months I'm sitting here, I've never been used. अगर वो कहता है पिछले छह महीने से मैं यहीं पर हूँ और मुझे इस्तेमाल ही नहीं किया गया है. China bowl, China bone bowl. अच्छे से चाइना में बनाया गया बॉल. China bone बोलते हैं उसको. China bone bowl is the name. China इस घर में हूँ. सिक्स मंथ्स दे नेवर पुल्ड मी आउट. छह महीना कभी मुझे बाहर उन्होंने नहीं निकाला. वो वहाँ पर मूर्ख बन जाता है. व्हाट आउट फॉर आफ्टर सिक्स मंथ्स. आप जानते हो क्यों छह महीने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है? सिक्स मंथ्स नो वर्दी गेस्ट्स came for whom such a crockery could be used. क्योंकि पिछले छह महीने से कोई ऐसा योग्य अतिथि नहीं आया जिनके लिए इतना श्रेष्ठ क्रॉकरी को बाहर निकालना चाहिए. When you get your relative, जब आपके रिश्तेदार आते हैं, you give them a tea in a steel glass. आप उन्हें चाय स्टील के ग्लास में देते हो. When your friend comes, like जब आपके दोस्त आते हैं, you give them in a cup. एक कप में उन्हें चाय आप देते हो. When your pastor comes, जब आपके पासवान आते हैं, you tell them, hey, bring that cup that we last Christmas we got gift. No, from inside you bring that. You see? आप कहते हो पिछले क्रिसमस में गिफ्ट आया था, उस कप को तुम ले आना. आप परमेश्वर के कटोरे हो. You will be pulled out in right time for the right purpose if you maintain the superiority of your character. सही वक्त में सही समय पे आपको बाहर निकाला जाएगा अगर आपके स्वभाव को श्रेष्ठता में आप रखेंगे तो. The man who gets God's attention is the man who mends me, who keeps the superiority of his character. And the Lord, when he has to do something great upon earth, he looks for the greatest crockery available in his showcase in that generation. जो व्यक्ति परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है, वही व्यक्ति अपने स्वभाव को श्रेष्ठता में रखता है, और जब परमेश्वर महान चीजों को पृथ्वी पर करना चाहते हैं, तभी ही उस व्यक्ति को वो ढूंढते हैं. क्षमा कर दीजिए. Let your partner be forgiveness. आपका पार्टनर क्षमता रहे. Because there is a plan of God in your tomorrow. क्योंकि आपके आने वाले कल में परमेश्वर का योजना है. Let your partner be love. आपके पार्टनर को प्यार बनाकर रखिए. Because there is a great plan in the future tomorrow. क्योंकि आने वाले कल में एक महान योजना आपके लिए है. When God blesses with a baby, God has a purpose. When God doesn't bless with a baby, there is another plan of God for you. अगर परमेश्वर बच्चे के साथ आशीषित करते हैं, परमेश्वर को एक उद्देश्य है. अगर नहीं देते हैं तो उसमें भी परमेश्वर के लिए दूसरा उद्देश्य. Just stand up tall and say, I am a different crockery. सिर्फ वहां पर खड़े होकर कहिए, मैं एक दूसरा अलग ही पात्र हूं. My time will come. मेरा समय आएगा. For a special guest. विशेष अतिथि के लिए. She knew it. वो जानती थी. If you want to do that, अगर तुम्हें वो करना है तो. Never indulge in any discussions. कभी भी कोई चर्चा में भागी अब मत बनिए. I never indulge. मैं कभी भागी नहीं said, बनता. Okay, fine. ठीक है. What do you want to say? क्या तुम्हें कहना है? They say, you have done this. वो कहते हैं तुमने ये किया है. Yes, I have done. हाँ, मैंने. If you say so. अगर तुम कहते हो तो. What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? Are you the king of Jews? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? Silent. वो शांत थे.
Second time. और दूसरी बार. Tell us. हमें बताओ. Are you the king of the Jews as they blame you? क्या तुम यहूदियों के राजा हो जिस तरह वो तुम पर निंदा डालते हैं? Actually, why? आपको मैं बताता हूँ. If he says yes. अगर वो हाँ कहते. He will become guilty of Caesar because Caesar is the king and he will kill him immediately. I am the king. Who are you to say you are the king? वहाँ पर वो बहुत गिल्टी हो जाएंगे सीजर की वजह से क्योंकि मैं राजा हूँ तुम right? कैसे राजा बन Understand सकते his time. उस समय को आप समझ लीजिए. It is like somebody is coming and asking your pastor, are you the prime minister of India? वो ऐसे है जो कोई आकर आपके पासवान से पूछता है क्या तुम प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के? Because this whole group says I am everything. This is our government. क्योंकि ये पूरा झुंड कहता है कि तुम मैं ही सब कुछ हूँ और यही हमारा सरकार है. I'll be arrested in no time. थोड़े ही समय में मुझे अरेस्ट किया जाएगा. Because it is what you call that anti-patriotism or it is against nation. वो देश के विरुद्ध में खिलाफ है. Because this is our government. क्योंकि यह हमारा सरकार है. That was the situation. इसीलिए वह हालत था. So only thing that Jews could blame him is. और एक ही चीज जो यहूदी लोग उस पर निंदा डाल सकते हैं. He says he is the king. वो कहते हैं कि ये राजा है. You are not the king. तुम राजा नहीं हो. He says we should listen to him, not to you. वो कहते हैं हमें उनका बात सुनना है तुम्हारा नहीं. He said he is the government, not you. वो कहते हैं तुम मेरे सरकार हो आप नहीं. So the Caesar said. इसीलिए सीजर ने कहा. Let's check it. उसे हम देख लेंगे. And put him inside. मैं उसे अंदर डाल दूंगा. I am the king. मैं राजा हूँ. So they asked him, are you the king? इसलिए उन्होंने पूछा क्या तुम राजा हो? What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? You say so. तुम ऐसे कहते हो. He never said. उन्होंने कभी नहीं कहा. I am not. मैं नहीं हूँ. He never said. उन्होंने कभी नहीं कहा. I am. मैं हूँ. So I told the group. इसलिए मैंने उस झुंड से कहा. You say I am adulterer. अगर तुम कहते हो मैं एक व्यभिचारी हूँ. You say so. तुम जैसे कहो वैसे. You say I am useless. अगर तुम कहते हो मैं नाकाम हूँ. You say so. तुम वैसे कहते हो. But I will have my time with my maker. लेकिन मैं मेरे समय को मेरे रचनाकार के साथ मैं बिताऊंगा. Stand there. वहां पर खड़े हो जाना. Neither give back. ना ही देना. Not take. ना ही लेना. Come on, tell your neighbor, don't give back. आइए अपने बगल वालों से कहिए. Don't take. ना ही वापस देना, ना ही लेना. Thank you. Oh, I tell you, they got so frustrated. मैं आपसे कहता हूँ, वो इतने क्रोधित हुए. He never comes. He never counterfeits. वो कभी नहीं आते. He's like this, he's like that. वो ऐसे है, वो वैसे है. I just shut. मैं सिर्फ मेरे कान को बंद करता हूँ. Mary is my good school teacher. क्योंकि मिरियम मेरे अच्छी सी स्कूल टीचर है. She taught me. उसने मुझे सिखाया. No justifying yourself for the work of God in you. परमेश्वर के काम जो आपके अंदर है उसके लिए कोई समर्थन नहीं देना है. Silence. खामोशी. Amen. 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 What happens? क्या होता है? This is amazing. ये बहुत ही अद्भुत है. Silence is the greatest frustration that you will give to your enemy. खामोशी सबसे बड़ा क्रोधित गुस्सा है जो आपके शत्रु को आप देते हो. It frustrates them so much. उन्हें इतना क्रोधित करता है. Are you? And Joseph. और यूसुफ. Bound by his character. उसके स्वभाव से उसे पकड़ा गया. That's why God has. I told you at the beginning. प्रारंभ में मैंने आपसे कहा. God came in the scene after they got married. परमेश्वर उस सीन में आए उनका विवाह होने के बाद. Amen. Amen. Before he comes in the scene. उस सीन दृश्य में आने से पहले. He organizes. वो सब कुछ अच्छे से व्यवस्था करते हैं. If you accept his organizing. अगर उसके व्यवस्था को आप स्वीकार लेते हैं. He will come in the scene. वो उस दृश्य में आ जाते हैं. Amen. Amen. So God had sent Joseph. इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा. God sends people. परमेश्वर लोगों को भेजते हैं. He sends people. वो लोगों को भेजते हैं. And the Bible says. और पवित्र शास्त्र कहता है. Joseph was righteous and just. यूसुफ वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था और सीधा व्यक्ति था. That's why he got God's attention. इसीलिए उसको परमेश्वर का ध्यान मिला. Amen. Amen. And the Bible says. और पवित्र शास्त्र कहता है. That night. और उस रात. He wanted. He decided. उसने फैसला किया. I will not expose Mary. मैं मिरियम को बाहर expose नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं. Who am I? मैं कौन हूँ? To expose her. उसे बाहर डालने के लिए. You see. अब देखिए. What gets God's attention? किसको परमेश्वर का ध्यान मिलता है? It's the nature of letting people on their own.
वह ऐसा स्वभाव है जो लोगों को उसके हाल पर छोड़ दे, नीदर कंडेम ना ही निंदा करे। एंड द बाइबल सेज मेरी साइलेंट, और पवित्र शास्त्र कहता है मरियम खामोश है। जोसेफ वांट्स टू लीव हर, यूसुफ उसे छोड़ना चाहता है। यू थिंक मेरी डजंट, यू नो, यू थिंक अ वुमन डजंट स्मेल व्हेन अ मैन वांट्स टू लीव हर। आप सोचते हो कि एक स्त्री को बुरा नहीं लगता जब no, उसको पता नहीं चलता, उसे पता नहीं चलता जब एक पुरुष उसे छोड़ना चाहता है। His text go down, he'll stop texting. उसको टेक्स्ट करना वो बंद कर देता है। I mean, he never came to see her. वो कभी उसे देखने नहीं आया। She knew he's going. वो जानती थी कि वो जा रहा है। But she stood her ground. लेकिन उसके जमीन पर वो स्थिर खड़ी रही। Don't panic. आप डर मत जाइए। Don't go to justify. आप समर्थन देने के लिए मत जाइए। Don't run around. यहाँ वहाँ भागिए मत। Stand there. वहाँ पर खड़े रहना। I go in my room. मैं मेरे कमरे में जाता हूँ। You know, I just open my windows. मैं मेरे खिड़की को खोलता हूँ। First thing is my Kannada Bible. पहला चीज जो है मेरा कन्नड़ा बाइबल है। You can never understand the word of God as best as in your own mother tongue, you know. आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते जितना अच्छी तरीके से आपके मातृभाषा में आप समझ सकते हैं। I'm an English medium boy. मैं इंग्लिश मीडियम लड़का हूँ। From 8th standard till I completed my degree. I never completed degree anyway. आठवीं कक्षा से डिग्री खत्म होने तक। You know, and before that, और उससे पहले, from my Sunday school time, I'm Kannada medium. मेरे संडे स्कूल के समय से मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ। You know, and the I mean, it's not about language. वो भाषा के बारे में नहीं है। I'll ask you a simple thing. मैं एक आसान सवाल आपसे पूछता हूँ। From where did Jesus come? कहाँ से यीशु मसीह आए? Hell, earth, or heaven? नरक, पृथ्वी या फिर स्वर्ग? I put you so much in sleep that you don't even know where Jesus came from. Where did Jesus come from? यीशु मसीह कहाँ से आए? Quickly, my last 2 minutes are running. From heaven. स्वर्ग से. Can I ask you? मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ? What language is spoken in heaven? स्वर्ग में कौन सा भाषा बात किया जाता है? English. English. Hebrews. नूना, इब्रानी भाषा. Okay, so then when he came on earth, इसलिए जब वो पृथ्वी पर आए, what language he spoke? कौन से भाषा उसने बात की? Imagine the moment he is born and gets his speech. आप कल्पना कीजिए जिस क्षण उनका जन्म हुआ और वहाँ पर उन्हें स्पीच मिला। You know, the moment Mary went to see him, and hey, how are you? If you understand. जिशन मिरियम उसे देखने जाती है और यीशु मसीह ऐसे करते हैं। कैसे? ना spoken tongues. वहाँ पर अन्य भाषा में वो बात करते हैं। Actually, that will be another news in Philistine. वहाँ पर फिलिस्तीन देश में और एक खबर वो फैल जाता है। नहीं। He grew. वो बड़े हुए with Hebrew language, इब्रानी भाषा से। He grew, वो बड़े हुए with Greek language, यूनानी भाषा से। You know, and he spoke it. और उसने उसे बात भी किया। You know, that's why, इसीलिए you don't try to teach him English, son. आप मेरे बेटे, आप उसे इंग्लिश सिखाने मत जाइए। He is expert to speak you in your language. आपके भाषा में बात करने के लिए वह बहुत निपुण है। I thought I had eaten English Bible like that, but when I began to read Kannada Bible, the revelations were more deeper. I said, Lord, I'm sorry. I tried to teach you English. मैंने सोचा English Bible को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जब Kannada Bible में मैंने पढ़ा और भी गहराई के प्रकटीकरण मुझे मिले। I'm not language. I'm talking about how God works. मैं भाषा के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। Stand your ground. आपके ज़मीन पर आप स्थिर खड़े रहिए। And after 3 years. और 3 साल के बाद। After 4 years. और 4 साल के बाद। After 5 years. 5 साल के बाद। When they see the results in you. जब आपके प्रतिफल को आपके अंदर वो देखते हैं। They become so quiet. वो इतने खामोश हो जाते हैं। That you will be left with no pride in you. आपके अंदर कोई गर्व बचा नहीं रहेगा। And they will be left with no condemnation upon you. और उनके अंदर आपके लिए कोई निंदा नहीं बचा रहेगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Be a person who gets God's attention. ऐसे व्यक्ति आप बनिए जिसे परमेश्वर का ध्यान मिलता है। Don't keep up good character because pastor is condemning you.
Keep up good character because God has a plan for you. आप अच्छा स्वभाव इसीलिए बनाकर मत रखिए क्योंकि पासवान जी आप पर निंदा कर रहे, लेकिन अच्छा स्वभाव इसीलिए बनाकर रखिए क्योंकि परमेश्वर के लिए आपके ऊपर बड़ा संयोजना है. As I close, जैसे मैं समाप्त करता हूँ, Mary was, you know, caught up. मिरियम वहाँ पर फंस गई थी. आराम से. That is my room. ये मेरा कमरा है. That is Saint Mary's room. वो मिरियम का कमरा है. Saint Mary's room. When I go there, जब मैं वहाँ पर जाता हूँ, I get the same peace that Mary must have got. वही शांति मुझे मिलता है जो मिरियम को मिला होगा. मिला होगा. शायद मिला होगा. I forget everything. और सब कुछ भूलकर. Who said what? Whom I shouted? Everything is gone. किसने क्या कहा? किसको मैंने डांटा? सब कुछ चला गया. And the peace of God enters your heart. और परमेश्वर का शांति आपके हृदय में प्रवेश करता है. And you're open for His purpose. और उनके उद्देश्य के लिए आप खुल जाते हो. And when you come out. और जब आप बाहर आते हो. People will still remember what you did, but you have forgotten, and your God has forgotten what you did. लोग अभी भी याद रखेंगे कि आपने क्या किया, लेकिन आपने भूल आप भूल गए. And you will not be lifted up according to what you did in the memory of people. According to in the memory of people, but you will be lifted up according to what God has spoken to you and what you have let go. लोगों के याद में जो आपके लिए है उसके और से आप उठाए नहीं जाओगे. लेकिन परमेश्वर क्या किया है जो लोगों के यादों में अभी तक बसा हुआ है ना, उसके अनुसार आप अपनी जिंदगी में उठा नहीं पाओगे. परंतु परमेश्वर के साथ बैठे हुए क्या क्या आपने छोड़ दिया और कितना निर्मल बन गए, उसके हिसाब से आप उठा दिए जाते हो. इसलिए जो लोग बोलते हैं उसको वापस याद में मत लाइएगा. बीता ओके पिछला हुआ बारिश का पानी अभी तक कितने लोगों ने संभाल के रखा है? कुछ लोगों ने. और थोड़ी दिन के लिए संभाल के रखोगे. जैसे ही आज इस साल का बारिश आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिछले साल का बारिश कहाँ चला गया, क्योंकि अगर आप उसको रखोगे तो वो सड़ जाएगा. पिछले साल का जो बारिश आपकी ज़िंदगी के हुआ, चाहे वो क्रोध का बारिश हो, चाहे वो हेट्रेड का बारिश हो, जो भी बारिश हो, जितना दिन उसको पकड़ के रखोगे उतना वो सड़ता जाएगा और उसमें मेंढक आएंगे और उसमें आना बदबू मारेगा. जैसे ही परमेश्वर नया बारिश लाता है, वो बारिश आता है अपने कमरे में, वो बारिश आता है जब उसके साथ बैठते हैं. जैसे वो बारिश आता है तो पुराना पानी को हम भूल जाते हैं. चाहे ही पुराने पानी के कृमि और कीट उसको याद रखे, लेकिन आप उसको कदई याद नहीं रखेंगे. Though the worms of the old water will remember it, but you will not remember because you have given your time to the Lord and God has taken enough time to cleanse you. You are washed. I did not preach about my situation. I preached about you. मेरे हालात के बारे में मैंने प्रचार नहीं किया, लेकिन आपके बारे में मैंने प्रचार किया. Amen. 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 Somebody say, let it go. कोई तो कहिए, जाने दीजिए. Because God has purpose upon you. क्योंकि परमेश्वर मेरे ऊपर उद्देश्य रखते हैं. Be rejoicing. आनंदित रहिए. God is with you. परमेश्वर आपके साथ है. He loves you. वो आपसे प्यार करते हैं. He is on your right hand side. वो आपके दाहिने ओर है. Let the old water go. पुराने पानी को जाने दीजिए. Because the new clouds are getting ready. क्योंकि नए से बादल तैयार हो रहे हैं. And this rain. और यह बारिश. Amen. 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 You know, I can go on and go on, but you know, when you sit with a friend, you'll always talk about the past. जब आप दोस्त के साथ बैठते हो, हमेशा बीती हुई चीजों के बारे में आप बात करते हो. And when you sit with a friend. और जब दोस्त के साथ आप बैठते हो, you may talk about the possible future which you are not sure about. जो भविष्य आने वाला है, संभवता के बारे में आप बात कर सकते हो, लेकिन आप निश्चित. लेकिन आप जब परमेश्वर के साथ बात करते हो, आप वर्तमान के बारे में बात नहीं करते, आप रहने वाले चीजों के बारे में बात नहीं करते. Guarantee future tomorrow. लेकिन आने वाले कल में आने वाले निश्चय भविष्य के बारे में आप बात करें. Be a man who has God's attention. ऐसा व्यक्ति बने रहिए जिनके पास परमेश्वर का ध्यान हो. हाँ, उसके ऊपर परमेश्वर का ध्यान हो. जिसके ऊपर परमेश्वर का ध्यान हो. And because you know why? आप जानते हो क्यों? The angel of God came. परमेश्वर का दूत आया. Mary's family did not go to justify. मिरियम के परिवार के सदस्यों ने समर्थन नहीं दिया. Mary's church elders did not go to justify. मिरियम के कलीसिया के बुजुर्गों ने वहां पर समर्थन नहीं किया. Mary did not go to justify. मिरियम ने भी समर्थन नहीं किया. But angel came down. लेकिन दूत नीचे उतर आया. And he said, Joseph. और वो कहता है, यूसुफ. What is in Mary is by the Lord. जो मिरियम के अंदर है वो परमेश्वर के ओर से है. I don't believe in committee meetings, you know. मैं कमिटी मीटिंग पर विश्वास नहीं करता. I believe in heavenly meetings. मैं स्वर्गीय मीटिंग पर विश्वास करता हूँ. Because I know. क्योंकि मैं जानता हूँ. The Lord
works. परमेश्वर कार्य करते हैं. No church head. कोई कलीसिया का बुजुर्ग नहीं, कोई रबाई नहीं, nobody. कोई भी नहीं. Nobody went and told for me, Joseph, no, don't doubt her. You know, we know from childhood, we have seen her, how she is, we know her character. Still, they will leave you and go. But you kneel down and pray, Lord, you. This is your purpose. You have called me. You have led me. And God knows whom to send. And He will never send your church elders. He will never send your pastor. He will send His angels. क्योंकि परमेश्वर जानते हैं किसको भेजना है. वो कोई चर्च एल्डर्स को नहीं, कोई परिवार सदस्य को नहीं, लेकिन वो खुद उतराकर कहते हैं. And the angel said. और देवदूत ने कहा. Don't do that. ऐसे मत करना. And immediately Joseph said. और उसी क्षण यूसुफ ने कहा. Yes, sir. हाँ श्रीमान. Next day. और अगला दिन. He got married. उसका शादी हुआ. And he fulfilled the purpose of God. और परमेश्वर के उद्देश्य को उसने परिपूर्ण कर दिया. Because he had the attention of God upon himself. क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उसके ऊपर था.